मैं परेशान नहीं हूं, ना ही मुझे अपने फैसले पे कोई रिग्रेट या गिल्ट है। मैंने जो कुछ किया मुझे यही करना चाहिए था। बस कभी कभी मेरा दिल भर आता है। हाय, कितना चाहता था वो तुम्हें दुआ। कितना, क्या मेरे रब से ज्यादा चाहता था वो मुझे? नहीं जवेरिया, इस दुनिया की सारी मोहब्बतें, सारी चाहतें इसी दुनिया में रह जाएंगी। हम सब मुसाफिर हैं, हमें तो उस मोहब्बत को महफूज रखना है जो सफर में काम है, आखिरत के सफर में, और वो है अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत और बंदे की अपनी अल्लाह से मोहब्बत। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी ज़्यादा राह बचा ली। और इस दिल का क्या है, एक दिन ये जिस्म भी खाक हो जाएगा और ये दिल भी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुमसे हमदर्दी करूं, तुम्हें तसल्ली दूं, या तुम पे फखर करूं कि कितनी खुश नसीब हो तुम। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बस मेरे लिए दुआ करो जवेरिया, अल्लाह मेरी कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। और दुआ करो मेरे दिल पर उसकी याद का साया भी ना पड़े। समामी कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं ना, यहां तो तुम उसके काबिल नहीं रहे। जब उसकी शादी होगी ना, मैं जरूर आऊंगी। आई रियली वॉन्ट टू सी दिस फेस। यहाँ खड़ी है मेरी बेटी। आए मम्मा, देखें आसमान का रंग कितना प्यारा हो रहा है। मैं तो उस दिन खुश होंगी जिस दिन मेरी बेटी के चेहरे का रंग ऐसा गुलाबी होगा। अम्मा, आप लोग प्लीज मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं खामोश रहती हूँ। मैं खामोश नहीं रहती, मैं अपने अल्लाह से बात करती रहती हूँ। वो बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनता है। मैं बहुत खुशनसीब माँ हूँ। शकीला की तही दामनी देखती हूँ तो ये एहसास होता है मेरे रब ने मुझे किस किस नेमत से नवाजा है। नेक औलाद माँ का बहुत बड़ा सरमा है। Thank you.
से देखे ना हाँ बाकी नहीं और कुछ नहीं, आप किचन में जाएं बाकी मैं कर दूंगी। अरे वाह भाई इतनी तैयारी, लगता है कुछ खास बन रहा है। हाँ अम्मा वो दाई ने बताया था कि दुआ को पकौड़े और स्प्रिंग रोल्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज वही बना लेती हूँ। चाय के लिए कुछ अच्छे स्नैक्स हो जाएंगे। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। लगता ही नहीं कि तुम चंद दिन पहले ही इस घर में आई हो, कैसी घुल मिल गई हो हमारे साथ। आप लोगों ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं किसी अजनबी घर में आई, सब लोग मुझे मेरे अपने ही लगते हैं। हो थाबी बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम और दाई उसे कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ, घर से बाहर निकलेगी तो अपनी पुरानी सोच के असर से भी बाहर आएगी, ताकि जिंदगी को नई नजर से देख सके। अम्मा बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हम ले जाएंगे फिर बाहर इंशाल्लाह। चलो फिर देखते हैं कैसे बनाती हो तुम अपने पकौड़े हैं। जी प्लीज जरा जोर से सांस लीजिए। ठीक है, जरा सब मेरी तरफ देखिए। मुंह खोलिएगा। ठीक ठीक आइए प्लीज। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं मिसेस काजी, और आपकी केस हिस्ट्री भी स्टडी की है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी बीमारी को खुद पे तारी कर लिया है, और अब आपकी रिपोर्ट्स भी ऐसी नहीं है जितना आप फील कर रही हैं। मेरी माने तो कुछ दिन के लिए अपने बेटे के पास अमेरिका हुई, माहौल चेंज होगा तो जल्द से जल्द इस डिप्रेशन से निकलेंगे आप। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती डॉक्टर साहब, अपना इतना बड़ा घर देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं भी आना बसी है तो कब्रिस्तान बन जाएगा। कब्रिस्तान के तसव्वुर से खौफ आता है मुझे। मैंने आपको कहा ना कि आपका प्रॉब्लम जो है वो नफ्सियाती ज्यादा है और जिस्मानी कम। लोगों से मिलना शुरू करें, पार्टीज अटेंड करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ जिम ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर, अपनी सोच का रुख बदलें। अरे आपने तो अभी बहुत उम्र जीना है। मैं आपको कुछ मेडिसिंस लिख देता हूँ, एक्चुअली ये मेडिसिंस नहीं है, सुकून और दवाएं हैं, आप प्लीज ये रेगुलर इस्तेमाल करें, अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम नमाज पढ़ रही थी, लेकिन ये नमाज का वक्त तो नहीं है। नफल पढ़ रही थी। अम्मा बस चाह रहे थे कि मैं और दाई आज तुम्हें कहीं बाहर डिनर पे लग के चलते हैं, तुम्हारी किसी पसंदीदा जगह पे? मैं अपनी पसंदीदा जगहों पे सब मुसर आपके साथ गई हूँ, मैं भी उन जगहों पे नहीं जाना चाहती। तो फिर एक और प्लान है हमारे पास, दाई इस वीकेंड पर जा रहे हैं हेड ऑफिस के काम के लिए इस्लामाबाद, 2 दिन का टूर है, तो तुम भी हमारे साथ चलो, इस बहाने काम भी हो जाएगा और मैं भी थोड़ा घूम लूँगी। नहीं भाई ये तुम लोग के घूमने फिरने के दिन हैं, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि एक कपल के साथ उनके 2 दिन के ट्रिप पे चल पड़ूं। तुम लोग जाओ एंजॉय करो। क्या हो गया दुआ, इतना अच्छा प्लान है क्यों पंगे कर रही हो? देखो मैंने डिसाइड कर लिया है तुम हमारे साथ जा रही हो, प्लीज नो आर्ग्यूमेंट्स। मुझे पता है तुम्हारा बहुत दिल है मुझे अपने साथ लेके जाने का, लेकिन मुझे उस काम के लिए मजबूर ना करो जिसके लिए मेरा दिल राजी नहीं है। हम एक साथ चलेंगे, जरूर चलेंगे, कुछ अरसे बाद
जब मैं थोड़ी पुरसुकून और नॉर्मल फील करूंगी। अभी सांस आ रही है मुझे, नकली ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना। ट्रिप सहनी फरार की तरफ मत लेकर जाओ प्लीज। मैं अपनी इन सोचों को शिकस्त देना चाहती हूँ और जीना चाहती हूँ। ओके ताबी, तुम प्लीज दयान को समझा देना। तुम अपने भाई की फिक्र नहीं करो, मैंने समझा दूंगी। मेरी माँ ने तो कुछ दिन के लिए अपने बेटे के पास अमेरिका हुई, हेलो मॉम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे? आई एम गुड, ठीक हूँ, वैसे ही जैसा शादी से पहले था। आप बताएं आप कैसे हैं? डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए हैं उसने, पर मुझे नहीं लगता मुझे उनसे कोई फर्क पड़ेगा। एंटीडिप्रेसेंट्स? क्यों मॉम? किस बात का डिप्रेशन ले रही हैं आप? उस लड़की का, जिसने दो सेकंड नहीं लगाए हमारी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई। She went to the court and got herself a divorce. Come on, mom. डिप्रेस्ड होंगे वो लोग, to relax. बॉबी, मुझे लगता है हमने उन लोगों के साथ ज्यादती की है, हमें माफी मांगनी चाहिए उनसे। मामा, आई थिंक आप अपनी बीमारी की वजह से काफी जज्बाती हो रहे हो। माफी हम लोगों को मांगनी चाहिए। आर यू सीरियस मॉम? आई थिंक माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जो हम लोगों को चोट पहुंचाई है वो नाकाबिले तलाफी है। कम ऑन मॉम, जहनी घाव दिया उन लोगों ने हमें, आप कह रही हैं हम जाके उनसे माफी मांगे? इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि हम लोगों को, उन मगरूर लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए दैट दे शुड रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। प्लीज बॉबी, भूल जाओ। ओके मॉम, यू मस्ट नो मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। तो ऐसा कहो कि तुम कभी उसे भूल नहीं पाओगे। क्या था बॉबी, अगर तुम उसे कह देते कि तुम भी उसके फेथ पे यकीन रखते हो, उसी के कीदे को मानते हो, वो तुम्हारे दिल में तो नहीं झांक के देख सकती थी, तुम्हारी सोचे तो नहीं पढ़ सकती थी? ऐसा कर लेते तो अभी हम सब कितनी ब्लेस्ड लाइफ गुजार रहे होते। सज्जाद, दुआ की तरफ से दिल बहुत बेचैन और बेसकून रहता है, बहुत खामोश और गुमसुम रहने लगी है, अपनी ही सोचों में कैद, इस तरह आपका शिकार। न जाने वो इस सब से कैसे बाहर निकलेगी। जब उसे चाहने वाला और मुखलिस इंसान मिलेगा तब। सज्जाद, बहुत मुश्किल है हमारे लिए किसी दूसरे पर भरोसा करना। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा परवरदिगार बहुत बड़ा है, बहुत वसी है उसकी कुदरत। वो दिन में से रात को और रात में से दिन को पैदा करता है। बेशक। अब तक भी उसी ने तमाम वसाइल पैदा किए थे ना, आइंदा भी हमारे तमाम मसले वही हल करेगा, डोंट यू वरी। इंशाल्लाह। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, मैं दुआ बात कर रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? जी मैं ठीक हूँ। इतने अरसे से कहाँ थी मेरी बच्ची? है इमाम साहब, मैं इद्दत में थी, मैंने मुस्तर आपसे खुला ले लिया अदालत के जरिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत से मजबूर होकर लिए ना? जी बिल्कुल। तो फिर सुनो मेरी बच्ची, वो रब इज्जत बहुत गैरतमंद है, बड़े वकार और शान वाला है वो, किसी का एहसान नहीं रखता मेरी बच्ची को। बहुत जल्द तुम्हें इस शख्स की जगह इससे ज्यादा चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, कदर करने वाला शख्स बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा मेरी बच्ची, जिसे पाकर तुम इस फानी दुनिया के दिए हुए सारे दुख भूल जाओगी। मेरी बच्ची, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं ना, उन्हें अल्लाह से गिरा कदर तहाइफ मिलते रहते हैं। मुझे अपने रब की रहमत पर पूरा भरोसा है इमाम साहब। अच्छा ये बताएं, आप घर कब तशरीफ लाएंगे? मेरी बच्ची, मेरी तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ आपको इमाम साहब? कुछ नहीं बेटा, वो जरा बुखार और खांसी हुई थी, इसलिए नकाहत सी हो गई है। इमाम साहब मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? तुम्हारा आना तो बाई से खुशी है मेरे लिए, जब दिल चाहे आ जाना मेरी बच्ची। जी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरी बच्ची पे अपना घर फरमा दे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, हमारी खतों से दरगुजर कर। बेगम साहिबा, आपकी चाय यहीं ले आऊं? मेरा दिल नहीं कर। भाभी, इज इट यू? मॉम, हाउ आर यू? बताया भी नहीं, हाउ कम? अगर बता देता तो क्या ये इतना चमकता हुआ हंसता हुआ चेहरा देखता? इतनी खुशी देख पाता मैं? खुशी का आलम तो ना पूछो, ऐसे लगा जैसे मरते मरते जी उठी। साहब के लिए कॉफी बना के लाओ। जी सी
मौसम की कौन सी सब्जी है वो लिख लो थोड़ा सा, गाजर बस थोड़ी सी लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बैठो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस काफी दिन हो गए थे दयान और ताबीन से मुलाकात नहीं हुई, मैंने सोचा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी उनसे मुलाकात भी हो जाए। बहुत अच्छा किया, लेकिन वो दोनों तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। ये तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ भूल गई होगी, दरअसल जल्दी में गए ना ये लोग, दाई की थी मीटिंग इस्लामाबाद में, तो उसने सोचा ताबीन को भी साथ ले जाए, अच्छा घूम फिर लेगी। लेकिन तुम आ गए, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं और अंकल तो हैं, बस आने वाले होंगे तुम्हारे अंकल। अच्छी सी चाय पिलवाऊं तुम्हें? नहीं नहीं आंटी, चाय मैं पीकर आया हूं, बस मैं अब चलता हूं, तो इंशाल्लाह मुलाकात। अरे रुकते तो अच्छा था बेटा। आंटी फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अम्मा वो मैं जा रही थी इमाम साहब से मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप कल चली जाना बेटा, इस वक्त जाओगी तो रात हो जाएगी वापसी में। अगर आप वाकई जाना चाहती हैं तो मैं ले जाता हूँ आपको, इमाम साहब से मुलाकात भी हो जाएगी और उनकी आदत भी कर लूंगा। ये तो अच्छा हो जाएगा, तुम साथ होगे तो मैं काफी मुतमईन रहूंगी, लेकिन दुआ रात से पहले आ जाना बेटे। ओके अम्मा मैं बस चेंज करके आती हूँ। चलो चलो अब तो बैठने का मौका मिल गया, अब तो बैठना ही पड़ेगा। अच्छी सी चाय बना के लाओ भाई। जब तक तुम्हारी दुआ से शादी नहीं हुई थी ना, मुझे लगता था तुम एक बहुत कामयाब इंसान। छोटी सी उम्र में तुमने वो सब कुछ पा लिया जिसे पाने की लोग तमन्ना करते हैं। ओके, तो अब दुआ मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं नाकाम हो गया। सब कुछ चला गया मेरे हाथ से। You think I'm a failure? मुझे लगता है मैं नाकाम हो गई। उम्र की इस मंजिल पे, वक्त की इस सीढ़ी पे मैं तो बिल्कुल खाली हाथ ही दामा खड़ी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो इसलिए कि मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता। अभी तुम लंबे सफर से आए हो, थके हुए हो क्या? आराम करो, हम इस मौजू पे फिर बात करेंगे। अब तक सफर में हूं, रास्ता बाकी है, मंजिल खासी तो। मैं जा रहा हूं, रात को आऊंगा, डिनर साथ करेंगे। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इमाम साहब इंशाल्लाह, इस दुनिया को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। जी बेटा, अल्लाह अपने बंदों के लिए जो बेहतर होता है वो करता है। बेटा जी इमाम साहब, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है मुझे, नेकी शराफत फहम सब कुछ दर्ज है आपकी पेशानी में। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। मेरे ख्याल में बेटा वापसी का सफर करें, अंधेरे में यहाँ से वापसी कुछ ठीक नहीं होती। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे रोशनी में सफर करें कुछ। जी इमाम साहब,
प्लीज मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे और मुझे मेरे फैसले की दुरुस्ती पे यकीन कामिल अता फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी बेटी की हर मुराद पूरी करे। आमीन। थैंक यू मॉम साहब। जाओ आप यहाँ। हाँ दुआ, मेरे तो दिल और दिमाग के दरवाजे बंद थे लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए मुझ पे। लेकिन एक बात का हमेशा दुख रहेगा दुआ, तुमने अपने दरवाजे बंद करने में बहुत जल्दी कर दी मुझ पे। चलना चाहिए। बस एक मिनट। ये कश्मीरी शॉल मैं आपके लिए लेकर आई। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है। अब्बा ये आपके लिए। थैंक यू बेटा, शुक्रिया आपका। अच्छी है ना? हाँ बहुत प्यारी है, माशाल्लाह हमारी बीवी तो ये पहन के बिल्कुल परी लगेंगी। दुआ। हाँ दाई। ताबी लगता है दुआ को अपने गिफ्ट पसंद नहीं आए, कितनी गुमसुम सी बैठी है। और मुझे लग रहा है कि दुआ को अपनी माँ की शॉल ज्यादा पसंद आ गई है ना, यही बात है ना? अरे दुआ बेटा तुम ये रख लो, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। अरे नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छी शॉल है, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये शॉल बहुत पसंद आई है, तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं जरा अपने कमरे सो गया। बेटा आपने खाना नहीं खाया? अम्मी भूख नहीं थी, भूख लगेगी तो गरम कर खा लूंगा, आप रेस्ट करें ना। बेटा हम देख रहे हैं, जब से ताबीन इस घर से रुखसत होकर गई हैं, आप अक्सर रात का खाना नहीं खाते। अम्मी मैंने तो भाइयों की आदत बन जाती है ना, और आदतें इतने आराम से छूटती नहीं। अब मैं और ताबीन तो डिनर साथ किया करते थे, अब वो नहीं है तो भूख का एहसास नहीं होता। इसीलिए बेटा खाली जगह को पुर करते हैं। हम और आपके बाबा तो बस इस बात के मुंतजर हैं कि कब हमारी बहू आए
और इस खाली जगह को पुर कर दें। अम्मी, आपको तो ये बात करने के लिए बहाना चाहिए। जी नहीं, हमें किसी मौके और बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि अब तो हमारा ये पुरजोर मुतालबा है कि आप अपनी पसंद की लड़की देख लीजिए, वरना हम और आपके बाबा अपनी पसंद की कोई लड़की देख लेंगे, फिर मत कहिएगा कि आपको खबर नहीं हुई। अम्मी, कुछ भी हो ये गजब मत कीजिएगा, प्लीज। अच्छा, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। बताए ना, बताए ना। कहीं वो तायरा की बेटी अस्मा तो नहीं है? नहीं अम्मी, खुदा की कसम वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो नहीं है तो फिर फरिया की बेटी आयशा है ना? अम्मी, आपका बेटा इतना बदमाश नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो फिर पहलियां क्यों बुझवा रहे हैं, बताते क्यों नहीं है? बताइए कौन है वो। अम्मी, अम्मी कुछ नाम बहुत मोहतरम होते हैं, वो इतनी आसानी से जुबान पर लाए नहीं जा सकते। मुझे कुछ वक्त है, मैं अपने जज्बात को समझकर ही कुछ कहना चाहता हूँ। अपने जज्बात और दूसरी जानिब के एहसासात को, ऐसा ना हो मेरी जल्दबाजी किसी के एहतराम, किसी की अकीदत से बनाए हुए तसव्वुर को ठेस पहुंचा जाए। बेटा, हम आपकी बात समझे नहीं। कुछ नहीं अम्मी, मैं बाद में समझा दूँ, ठीक है? अच्छा, हम आपके लिए खाना गर्म करते हैं, आप खाना खाएंगे। अच्छा चल ठीक है। मेरे तो दिल और दिमाग के दरवाजे बंद थे, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे बंद नहीं किए मुझ पे। लेकिन एक बात का हमेशा दुख रहेगा दुआ, तुमने अपने दरवाजे बंद करने में बहुत जल्दी कर दी मुझे। दुआ, तुम अभी तक जाग रहे हो दाई? तुम भी तो जाग रही हो और बेचैन भी हो। क्या भाई, क्या छुपा रही हो? ताई, आज मुस्तजाब मिला था मस्जिद में, इमाम साहब की मस्जिद। वो वजू कर रहा था, फिर नमाज पढ़ने अंदर चला गया, रो रहा था वो। कैन यू इमेजिन? कैसे हो सकता है यार, आई डोंट बिलीव इट। बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो तुम क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही हो? क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दुआ, फैसले कायम रखने के लिए किए जाते हैं, और तुम जो फैसला कर चुकी हो ना, उसने तुम्हें एक नया रास्ता दिखा दिया है। तुम उस पर चल चुकी हो, अब ना तो तुम्हें पलटना है और ना ही मुड़कर देखना है। तो मुझसे आप बहुत दूर चला गया, सही, बहुत पीछे रह गया है वो। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या सोचता है, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। सो प्लीज यार, बी ब्रेव एंड बी रैशनल, और खुदा के वास्ते ये फजूल के वसवसों का शिकार मत हो जाना, प्लीज दुआ। I'm okay. You look happy. Yeah. कल कहाँ रह गए थे? तुमने तो कहा था हम डिनर इकट्ठा करेंगे। किसी की तलाश में निकला था, मिला नहीं, ढूंढते ढूंढते देर हो गई, आज ज्यादा देर होगी, मेरा इंतजार नहीं करेगा।
किसे ढूंढ रहे हो बॉबी? कौन नहीं मिल रहा तुम्हें? खुदा।